हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम नितिका जम्बाल है और आप देख रहे हो आर डिजिटल ब्लॉगर। तो मैं शुरुआत करूंगी आज की सबसे पहली खबर से, और पहली खबर है सेंसेक्स। मैं रोज कह रही थी कि सेंसेक्स रोज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आज उसमें लगभग 700 अंक की उछल पुछल देखने को मिली है। यानी कि सेंसेक्स खुला था आज 51,399 पर और बंद हुआ है 51,314 पर। यानी कि जो ये छोटा मोटा उथल पुथल देखने को मिला है, ये आज यूनियन बजट के बाद पहली बार देखने को मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद बहुत बड़ी गिरावट है। इसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बाय और सेल के लिए आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो गाइज, आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा? So guys, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो कार भी ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए तो अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ी अजीब हो सकती है। तो गाइस, आपने आज तक शेयर मार्केट में क्या देखा है? हम एक शेयर खरीदते हैं और दूसरा बेच देते हैं, है ना। लेकिन अब शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट्स की भी नीलामी होगी। NSDL 7.23 लाख के डीमैट अकाउंट की नीलामी करने वाली है, जिसमें कोई भी स्टॉक ब्रोकर जिनके पास 1 लाख से ज्यादा एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट हैं और जिनके पास 10 लाख से ज्यादा मिनिमम कैपिटल है, वो इन डीमैट अकाउंट को बाय कर सकता है। और जो कार्वी ऑनलाइन से जुड़े ट्रेडर है ना, उनके पैसे में रिकवरी होने के चांसेस हैं। तो गाइस, मार्केट में कुछ भी अजीब होता है यार। HCL के टेक में 2% की तेजी देखने को मिली, और इसका कारण पता है क्या है? कोरोना वायरस के मामलों में कमी आना, और दूसरा है कि कोरोना वायरस को कम करने के लिए टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। और टीकाकरण के आते ही ना, अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से पटरी पर दौड़ना शुरू हो चुकी है, जिससे निवेशक काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो गाइस, अब मैं बात करूंगी IPO की। एयरलाइंस कंपनी की गो एयर का IPO आने वाला है, जो जुटाएगा 30,000 करोड़ रुपए। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा बुरी हालात हुए हैं ना, तो वो गाइस एयरलाइंस इंडस्ट्री के हुए हैं। यानी कि उनको बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ा। स्थिति के सुधार के लिए भारत में प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां अपना IPO पेश करेंगी, जिसकी डेट अभी तक मुझे भी नहीं मिली है गाइस। और जैसे ही इसकी अपडेट आएगी, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। सो गाइज, ये थी शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने आपको दे दी हैं। और सेम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए कल फिर आपको सेम जगह पर सेम टेबल पर फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरा भी टाइम हो गया है गाइज। बाय, अपना ख्याल रखिए।